नैनम दाति पावता और नैनम क्लेदी अंतिया को न सोचे कि मारता साक्षात गीता जी तो भगवान का स्वास है, किसी राइटर तो कोई नहीं है, गीता जी का कोई राइटर नहीं है संसार में, तो भगवान जी का श्वास है, तो भगवान जी ने अपने श्वास से क्या कहा इस आत्मा के लिए, जिसके लिए धीरस तत्र न मुहिहति, क्या कहा है, आत्मा को किसी सत्र के द्वारा न काटा जा सकता है, न गिला दिया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या किया जा सकता है। बोले ये पंच भूतों से प्रभावित नहीं होने वाली, ये जो हमारा शरीर है ये पंच भूतों से बना है, चित जल पावक गगन समीर, बुद्धिमान व्यक्ति न मोहिहति, मोह नहीं करता, परेशान नहीं होता। क्यों नहीं परेशान होता, क्योंकि नैनम चित्यंत सस्त्राणी नैनम दाति पावता नैनम क्लेदि यंत्या को न सोचति मारुता। हम ज्ञान की दृष्टि से चलें, ज्ञान की दृष्टि पर बढ़े, तो ये एक ज्ञान सभा है। कृष्णा नाम कह गए दास कबीर, क्या तन मानता रे आखिर, माटी में मिल जाना, क्या तन ऐसा परमात्मा जीवन में
हजारों वर्षों के पुण्य पुंज जब इकट्ठे होते हैं तब ये मानव का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानव तन पावा सो दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और ऊपर से सब कुछ होने के बाद के परमपिता परमात्मा का नाम लेने के लिए रमेश कुमार जी आज जो हमारे बीच नहीं है उनकी पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर श्री सुरेश जी या उनके बच्चे जब मां शब्द एक ऐसा है संसार में कि मां से बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता। मां शब्द की व्याख्या वात्सल्यता के लिए की जाती है और जो इस संसार में जीव आता है वो चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो हमारे विद्वानों ने बताया है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव। मां जिन्होंने अपने शीतल आंचल से हमें सींच करके अपनी ममता और स्नेह रूपी छाया दे करके कष्ट रूपी धूप से हमें बचाती है। इस दुख की घड़ी में आप सब लोग आए हैं परिवार सांत्वना देने तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कि आप इस दुख की घड़ी में डॉक्टर साहब के साथ आए और कंधा कंधा मिलाकर के सभी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। परिवार की ओर से प्रार्थना आपने इनको डॉक्टर साहब को छोटी छोटी बच्चियों को जिनकी दादी चली गई जिनकी नानी चली गई उन बच्चों को आकर के आपने आशीर्वाद दिया और इनके सिर पे हाथ रखकर और सबसे प्रार्थना है कि नीचे भोजन के रूप में प्रसाद तैयार है तो आप भोजन लेकर के जरूर जाएं। बहुत देर तो अन्ना परिवार के नाल धन्यवाद हो रहा है परिवार के प्रमुख सदस्य ने काफी देर तो मैं देखता पे गया कि 10-15 साल तो खाना साहब ने बहुत सेवा की। जो भी उन्होंने बीमार होना इन्होंने कदम जाके सोसाइटी के बच्चों भी पहला जाके कहना कि तुम दवाई देनी है इन्नी देर इन्ना समा लगा के अपना इन्हों का जो फर्ज से इन्होंने पूरा किया। सो मैं अपने वालों सेंट सोल्जर ग्रुप वालों खन्ना साहब को बहुत बहुत सतवाना दिना और इन्होंने विश्वास करना कि सारा ग्रुप थोड़े नाल है मुश्किल की घड़ी के भी और महाराज अगर प्रार्थना करना कि महाराज उन्होंने जय श्री राम। मैं खन्ना साहब की फैमिली की तरफ से डॉक्टर सुमेश जी मूंगा से जो आए हैं इनके बेटे इनके जितने भी डॉक्टर्स वहाँ से आए हैं और सेंट सोल्जर के जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स और सारा स्टाफ इनका और सभी परिवार का जो हमारे रिलेटिव्स जितने भी दूर दूर से आए हैं मैं परिवार की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खाना और चाय नीचे है जिसने नहीं खाया प्लीज़ खा के आगे मैं पंडित जी को सबका भी Thank you.
होता, क्यों नहीं परेशान होता? क्योंकि नैनम चत्यंत सस्त्राणि नैनम दहति पावता नैनम क्लेदयं क्यापो न शोषति मारुता। हम ज्ञान की दृष्टि से चले, ज्ञान की दृष्टि पर बढ़े, तो ये एक ज्ञान सभा है। और जी की तरफ बढ़े कि नैनम चित्यंत सत्राणी, किसके लिए कहा प्रभु ने कि नैनम चित्यंत सत्राणी, किसके लिए कहा प्रभु ने नैनम दहति पावका, कि नैनम दहति पावका नैनम क्लेदयं क्यापो न शोषयति मारुता। साक्षात गीता जी तो भगवान का स्पर्श है, किसी राइटर तो कोई नहीं है, गीता जी का कोई राइटर नहीं है संसार में, तो भगवान जी का श्वास है। तो भगवान जी ने अपने श्वास से क्या कहा इस आत्मा के लिए, जिसके लिए धीरस तत्र न मुहिहति, क्या कहा है? आत्मा को किसी सत्र के द्वारा न काटा जा सकता है, न गिला दिया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या किया जा सकता है? बोले ये पंच भूतों से प्रभावित नहीं होने वाली, ये जो हमारा शरीर है ये पंच भूतों से बना है, चित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यह अगम शरीरा, पांच तत्वों में से एक तत्व भी काम करना बंद कर दे तो शरीर नहीं चल सकता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी ने ये भी बता दिया कि न जायते मुह्यते वा कदायन है, पुनः आत्मा की अमरता की पुष्टि करते हुए भगवान ने पुनः भगवान जी ने कहा कि न जायते मुह्यते वा कदायन नायं भूत्वा भविता वा न भूयम्। जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म होता है जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। एक इसी विषय में एक प्रसंग किसी संत ने बताया था, सुनाया था, कि बड़े ध्यान से सुनने की बात है। उन्होंने संत ने बताया कि मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु के साथ साथ स्थान भी निश्चित है, किस जगह मृत्यु होनी है, क्योंकि जिसकी मृत्यु न हुई हो तो धीरे तत्र न मुह्यति, इसीलिए हम चुप होकर के बैठ जाते हैं कि ये बुद्धिमान व्यक्ति वहां शांत हो जाता है। तो उन्होंने संत ने बताया एक कि स्थान भी निश्चित है, फिर उसके बाद समय भी निश्चित है, इससे बचा नहीं जा सकता, संत मानना पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा, और संत के पैर पकड़ लिए। जाया भोले भगत, इस संसार में जो आता है उसे जाना होता है, लेकिन निषाद राज ने पैर पकड़ लिए संत का। संत ने कहा अरे भोले भगत, बड़ा समझाया पर उसकी जिद के आगे हार गई। जब हार गए पूछा आप किसके कौन है, बोले मैं व्यास जी का नाना हूं, और व्यास जी मेरे गौरित है। व्यास जी तो कहा, व्यास जी की तो सीधे भगवान से बात होती है, व्यास जी तो स्वयं भगवान का रूप है, आप व्यास जी के हैं नाना है। जगने लगे, आंखों में रोशनी कम हो रही, ये सब लक्षण बढ़ने के हैं, मृत्यु की ओर बढ़ने के लक्षण है। अब कहने लगे मैं मरना नहीं चाहता, व्यास जी के पास गए, व्यास जी से बोले मैं मरना नहीं चाहता, सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता हूँ। व्यास जी ने बड़ा समझाया, 18 पुराणों की रचना की, एक एक पुराण की व्याख्या निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मा की भी आयु है, ब्रह्मा का भी जन्म हुआ है, जिसका जन्म होता है वो नष्ट होता है, जिसका जन्म नहीं होता वो नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ। धर्मराज कहते हैं तब मैं मृत्यु
को आदेश करता हूँ, आपको तो धर्मराज के आवासा कृष्णा रामली कह गए दास कबीर क्या तन मान तारी आखिर माटी में मिल जाना क्या तन मान तारी आखिर माटी में मिल जाना माटी ओढ़न माटी पहिरन माटी का सिरहाना माटी ओढ़न माटी पहिरन माटी का सिरहाना माटी का तलभूत बनाया जामे भवरे सहाना क्या तन मांगता रे आखिर माटी में मिल जाना माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो क्या तन मांगता रे आखिर माटी में मिल जाना क्या तन मांगता रे आखिर माटी में मिल जाना। शास्त्रों में समय समय पर हमें संतों ने कहा है मृत्यु के मुख में बैठा हुआ है काल के मुख में बैठा हुआ मेंढक फिर भी कोशिश क्या करता है बाहर के कीड़े मकोड़े पकड़ने की कोशिश करता है स्वयं काल के मुख में है लेकिन उसकी चेष्टा यह रहती है कि बाहर मैं कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ूं और खा लूं उसको यह नहीं है कि मैं काल के मुख में हूं जीवन प्रतिक्षण हर क्षण काल के मुख में है लेकिन भूल जाता है अपने कर्तव्य में नहीं लगता समी पहन दासा तू पुसाता रे समी घटिया के चादर तेरे के पानी उस समय सस्ती से सस्ती चादर खरीदने की कोशिश करते हैं कि किसी की मिट्टी में डालना है मोल भाव वहां भी करते हैं उस समय कुछ ना किसे निसार नहीं उस समय कुछ ना किसे निसार नहीं जिस घड़ी जम ले तेनु शास्त्रों में भगवान ने तो गोकर्ण के पिता से कहते हैं मैं शरीर हूं पहले तो ये अभिमान खत्म कीजिए चलिए उस समय कुछ ना किसे निसार नहीं उस समय कुछ ना किसे निसार नहीं उम्र भर रात रखन चलिए शास्त्रों में पुराणों में श्रीमद् भगवत गीता में संसार को द्वंद्वात्मक कहा है द्वंद पाए जाते हैं जोड़े पाए जाते हैं हानि के साथ लाभ उत्थान के साथ पतन इसी तरह से सारे जोड़े जिना नहीं करता रहा तो ठकिया तोड़ के तिनके कर आनो जान गे कर्म तेरे सामने त्रियांगे कर्म तेरे सामने त्रियांगे उस समय पूछना किसे ने सार नहीं उस समय पूछना किसे ने सार नहीं जिस गली जमले तेनो आने के जिना दे पल्ले नहीं तो सा नाम का जिनके पास सिमरन का सत्कर्म का सद्ज्ञान का कुछ ऐसे कर्म का जो किसी के भले में आया हो किसी के सत्कर्म में आया हो जिना दे पल्ले नहीं तो सा नाम का सिमरन का सत्कर्म का प्याऊ का कोई ऐसा कर्म जिन्हें कर रहा
जब संसार की यात्रा पूरी करके जाएंगे तो क्या मिलेगा? कर्म करे सामने तेरे आने के, अंत वेले सब तेनो छड़ जानगे, अंत वेले सब तेनो छड़ जानगे, कर्म करे सामने तेरे आने। जिन्हां दे पल्ले नहीं तो सा नाम दा रस्ते विच बैठ के ही खा, जिन्हां ने कीती कमाई नाम दे परोपकार, परोपकार ये जीवन ये समय ये क्षण, जीवन का कोई भी क्षण कोई ऐसा क्षण जो किसी के काम आ जाए। जिन्होंने कीती कमाई नाम दे सिमरन दे सत्कर्म दे, तेरे हुक्म से जाना सागर से बूंद आई सागर में ही समा जाना, तेरे हुक्म से आना तेरे हुक्म से जाना सागर से बूंद आई सागर में ही समा जाना। भटकेगा वो मुसाफिर निज घर को जो न जाने, भटकेगा वो मुसाफिर निज घर को जो न जाने, पहुंचेगा सीधा मंजिल जो जानता ठिकाना। चलिए सत्कर्मों की पोटली ठीक धारानी भूगो पसंद से पूछते सब कुछ वहीं तो वहीं रह जाता है। ये मानव जीवन बड़े बड़े भार मानुष कर पावा, बड़े भाग्य से जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तब हमें ये मानव का शरीर मिलता है, मानव शरीर मानव का जीवन मिलता है। और मानव का जीवन मिलने के बाद भी एक अच्छे सत्कर्मी के घर में जन्म हो जाए, एक सुयोग्य व्यक्ति के घर जन्म हो, जब हजारों वर्षों का पुण्य पुंज इकट्ठा होता है तब एक सत्कर्मी के यहाँ जन्म होता है। सत्कर्मी के यहाँ जन्म लेने के बाद फिर हमें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त होने के बाद भगवान स्वरूपवान भी बना दे, रूपवान भी गुणवान भी बना दे, भाग्यवान भी बना दे। हजारों वर्षों के पुण्य पुंज इकट्ठे होने पर उसके बाद फिर हम सत्कर्मी भी हो, किसी का बुरा भी ना मन में आए, ऐसा परमात्मा जीवन में हजारों वर्षों के पुण्य पुंज जब इकट्ठे होते हैं तब यह मानव का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानव तन पावा शुद्ध लोक सद ग्रंथन गावा, और ऊपर से सब कुछ होने के बाद के परमपिता परमात्मा का नाम लेने के लिए अंतःकरण से भाव हो, भाव विद्यते देवा, और परमात्मा कहाँ है वो भाव में है। तू ही जन्म दे रहा है। सज्जनों हमें दो बातों को हमेशा याद, प्रभु चरणों में लगाया वो तुमने सारा जीवन वो निभा गए अपनी, हमारी भी को निभाना। आज हम सब लोग स्वर्गीय श्रीमती सीमा खन्ना पत्नी रमेश कुमार जी आज जो हमारे बीच नहीं है उनकी इस पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर श्री सुरेश जी या उनके बच्चे, जब मां शब्द एक ऐसा है संसार में कि मां से बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता,
महाशब्द की व्याख्या वात्सल्यता के लिए की जाती है, और जो इस संसार में जीव आता है वो चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी बन जाए, संसार का सर्वपूज्य बन जाए, तो मैं हमारे विद्वानों ने बताया है कि मातृ देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो, मां जिन्होंने अपने शीतल आंचल से हमें सींच करके अपनी ममता और स्नेह रूपी छाया दे करके कच रूपी धूप से हमें बचाती है। जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा रामाए नामा श्री रामाए नमाम अहम भजामि रामम सत्यम शिवम मंगलम सत्यम शिवम मंगलम। पुण्यात्मा के लिए जो पुण्यात्मा हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच से उस परमात्मा के श्री चरणों में जाकर विलीन हो गई, उस आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि जो माँ होती है नहीं दे सकते, इसलिए एक ही बात याद रखना चाहिए जीवन में कि हमारे कोई भी ऐसे कर्म हैं या हमारे भाव से स्वभाव से वाणी से किसी भी तरह हमारे माँ बाप का कभी मन न दुखे, ऐसे हमें आचरण करना चाहिए। हमेशा पूजा पाठ कर लें, आध्यात्मिक बन जाए, सब कुछ कर लें, लेकिन यदि आपके माँ बाप खुश हैं सब बराबर है। संसार के सारे तीर्थ करके आ जाएं, यदि आपके माँ बाप दुखी हैं तो आपके वो तीर्थ सब व्यर्थ हैं। तेन माता पिता पूजितो वानवा तेन काशी अयोध्या गतम वानवा, उसको काशी अयोध्या मथुरा अवंतिका कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। संसार में सब तीर्थ हैं, जाना चाहिए सब कुछ पद पद पर। आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो एक एक कदम में एक एक कदम में आप एक एक तीर्थ की यात्रा कर लो। इस दुखी घड़ी में आप सब लोग आए हैं परिवार सांत्वना देने, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। तो आप इस दुखी घड़ी में डॉक्टर साहब के साथ आए और कंधा कंधा मिलाकर के सभी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं
सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद परिवार की ओर से प्रार्थना। आपने इनको डॉक्टर साहब को छोटी छोटी बच्चियों को जिनकी दादी चली गई जिनकी नानी चली गई उन बच्चों को आकर के आपने आशीर्वाद दिया और इनके सिर पे हाथ रखा और सबसे प्रार्थना है कि नीचे भोजन के रूप में प्रसाद तैयार है तो आप भोजन लेकर के जरूर जाएं। ये परिवार की ओर से प्रार्थना है। करूंगा श्री अनिल जी से अनिल चोपड़ा जी से कि वो दो मिनट श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्री अनिल चोपड़ा जी से। जलंधर के जाने माने उद्योगपति और बहुत ही विनम्र बहुत देर तो अन्ना परिवार के नाल साडा साथ रहा है। सेंट सोल्जर परिवार के प्रमुख सदस्य ने काफी देर तो मैं देखता सीगा कि 10-15 साल तो अन्ना साहब ने बहुत सेवा की। जदों भी उन्होंने बीमार होना इन्होंने घरों जाके सोसाइटी के पिछों भी पहला जाके कहना कि तुम दवाई देनी है। इन्नी देर इन्ना समा लगा के अपना इन्हों का जो फर्ज से इन्होंने पूरा किया। तो मैं अपने वालों सेंट सोल्जर ग्रुप वालों खन्ना साहब को बहुत बहुत सतवाना दिना और इन्होंने विश्वास दिना कि सारा ग्रुप थोड़े नाल है मुश्किल की घड़ी के भी और महाराज अगर प्रार्थना करना कि महाराज उन्होंने ये दुख झेलन की शक्ति बख्शे और भैन जी की आत्मा को भगवान अपने चरणों के लिए स्थान करे। जय हिंद जय भारत। आदरणीय पंडित जी जय श्री राम। मैं खन्ना साहब की फैमिली की तरफ से डॉक्टर समेत जी मोगा से जो आए हैं इनके बेटे हैं इनके जितने भी डॉक्टर्स वहाँ से आए हैं और सेंट सोल्जर के जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स और सारा स्टाफ इनका और सभी परिवार का जो हमारे रिलेटिव्स जितने भी दूर दूर से आए हैं मैं परिवार की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खाना और चाय नीचे है जिसने नहीं खाया प्लीज खा के लें। आगे मैं पंडित जी को सबको Thank you.
ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਖੜਵਾ ਲਈ।